कुछ नहीं होने दूंगा। ये बाहर से हुए लोग आज अपने मुंबई का फ्यूचर डिसाइड करना चाहते हैं, ये हक उनको किसने दिया? इस मुंबई का असली शुभचिंतक मैं ही हूँ। ये भैया लोग तो कहते हैं हम दो, हमारे दो, बाकी जितने भी हो मुंबई भेज दो। आज मुंबई की हालत ऐसी है कि मुंबई तो महाराष्ट्र में है, परंतु मुंबई में महाराष्ट्र नहीं। मुंबई का एक नारा क्या भैया ना धरून मरा बना मजा बरोबर। मुंबई का एक नारा क्या भैया ना धरून मरा। सनसनी आज हम आपके सामने लेके आए मुंबई का एक कड़वा सच। दिन दहाड़े दरिंदे दलाल लोग मुंबई की मासूम जनता को गुमराह का सपना लू सीधा करने में लगे हुए। आज हम आपको दिखाएंगे एक मासूम के साथ किया गया घिनौना अत्याचार। बच्चों के खेलने के लिए वानखेड़े और रिवर स्टेडियम दिन भर गाड़ियों की चहल है। कभी फॉरेस्ट रिव्यू नहीं करेंगे यार। क्या डील है भैया, मजा आ रहा है? अच्छा इधर का आ रहे यार, क्या हुआ भैया? गाइन के इधर का हिस्सा आपका और ये हिस्सा आपके फुटपाथ मेट का। फुटपाथ मेट भैया कैसी बात कर रहे हैं? घर परिवार वाला ये मुंबई है, मुंबई यहाँ पर इतनी जगह में 3 लोग रहने को तैयार है। अगर आपको रहना है तो रहिए, बात मत खराब है भैया। क्या मम्मी कभी बात कर सकते हैं? 2 रुपए के लिए जाएगा मुझे। अरे क्या चल रहा है यार, वो मेरा वेट कर रही होगी। तो देखा आपने ये खौफनाक मंजर, बच्चे बूढ़े और दे टीवी बंद कर दे क्योंकि अगला दृश्य दर्दनाक और फिर सहलाने वाला है। कहने को तो मुंबई बहुत ही तेज नगरी है, आज हम आपको दिखाएंगे मुंबई की अपनी अरे सिर्फ न्यूज रिपोर्ट, मैं दो बांद्रा दादर जाने के लिए घर से 2 घंटे पहले निकल लेता हूँ। अल्लाह की रहमत है, इस ट्रैफिक के कारण तो अब उनका धंधा चलता है। मेरा क्या है, जब से पहना हो तभी से एडजस्ट कर रहा हूँ। भाई
वेलकम वेलकम। आप मुझे ये बताइए, आप सुल्तान छोड़ के महाराष्ट्र क्यों चले हैं? क्योंकि यहाँ पे मेरे से ज्यादा फायदा है। पिछले साल सुमुख भाई भी आए थे, उनका धंधा तो चौगुना हो गया। सही बात है। तो ये बताइए, मुंबई आने के बाद आपको यहाँ पे भाई यहाँ परेशानी तो बहुत है, पॉल्यूशन है, ट्रेनें टाइम पर नहीं आती, क्या करें? धंधे के सामने थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज चलता ही है। धंधे के लिए थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ता है। इसी को जगह से मिल गया। मैंने सुना आपको पॉल्यूशन के मामले में। हाँ, आई में इंस्पेक्शन हो गया। तो ये बताइए कि आपका घर कहाँ है? दादर। दादर और ऑफिस? तो दादर ऑफिस बर्ली तो बहुत नजदीक है, तो आप घर का ऑफिस बस से क्यों जाऊँ? मेरी खुद की गाड़ी है। मैं तो सोच रहा था कि अगर आपने 60 कारों की बजाय बेस्ट के लिए 1 कार करते हैं, तो शायद पोल्यूशन की प्रॉब्लम ही नहीं होती। सर, अरे धनो, ये मद्रास से हमारे गेस्ट हैं यार, ये सबको नारियल पानी पिलाते थे, इनको चाय पिला। मेरे को ये बात बताइए, आप पूरे परिवार के साथ इतने फुटपाथ पे फुटपाथ में कहाँ पे रही? अरे इतनी बढ़िया टीम थी, मरीन ड्राइव पे क्या मिल रहा था? मुंबई में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो चलता ही है। मुंबई में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज नहीं चलता ही है। अरे भाई, मैं बाप सही चल रहा था आपका? अच्छा, हमारे यहाँ भी तय तो दूर से। मुझे ये बताइए, आपकी ट्रेन से गिर गए तो फिर आपने क्या किया है? मैं पहले बोल गया था मुझे देना चाहिए। सही बात है। तो यू नीड टू टेक, ये ऑप्शन तो आपने कंसीडर ही नहीं किया कि आप रेलवे से कंप्लेंट भी कर सकते हैं। कंप्लेंट? किस बात की कंप्लेंट यार? हर दिन कोई ना कोई तो ट्रेन में गिरता ही रहता है। आज मैं गिरा हूँ, कल किसी और को गिरा के आ जाऊंगा। ब्रॉडली स्पीकिंग, ये भी एक तरह का एग्जाम्पल है। सर, मुंबई को हमारे लिए भी जगह हो तो बताइए ना। सर, बताइए किधर जाइए? बीच में इस आदमी को चाय पिलाई तो देख लेना। सर, आप कहना चाह रहे हैं आपके पास फुटपाथ से भी घटिया ऑप्शन अवेलेबल है? हाँ हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आपने इतनी सी जगह पे पूरे फुटपाथ पे एक पूरी फैमिली को फुटपाथ पेट के साथ छोड़ा दिया, क्या गलत नहीं है? अरे इसमें गलत ही क्या है, उतनी ही जगह में 3 लोग भी रहने को तैयार थे, मैं तो भला आप क्यों 2 के घर आया? और मुंबई में इतना एडजस्टमेंट तो चलता है यार। अब मुंबई की बात आ ही गई है तो चलते हैं मुंबई के स्टेट के सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट पे, यानी मुंबई के असली शुभचिंतक। मुंबई करता एक नारा या भैया नारा छोड़ो नारा। सर, इसका मतलब क्या है? मुंबई में जितने भी भैया लोग हैं उनको पकड़ पकड़ के मार के भगा दो। आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? अरे भैया लोग ही तो मुंबई की असली प्रॉब्लम है। तो यू मीन टू से अगर सारे भैया लोगों को मुंबई से बाहर निकाल दूं तो मुंबई की असली प्रॉब्लम ही नहीं बचेगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर घर वालों के साथ तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। बाहर वालों के साथ एडजस्ट क्यों करें? सर, आप ही बताइए, पूरी दुनिया में हर शहर में हर देश में छोटे से छोटे कस्बे में कहीं ना कहीं भारतीय बसे हुए, तो जब वो देश भारतीयों के साथ ऐसा नहीं करते तो आप भारतीय भारतीयों के साथ ऐसा क्यों करते? सर, जिस दिन जय महाराष्ट्र की जगह जय भारत होगा ना, उसी दिन आप अपनी शुभचिंतक कराएंगे। चलिए वो छोड़िए, आपसे आपके मतलब की बात कर लेते हैं। हाल फिलहाल में CST के जो अटैक हुए उससे कितने मुंबईयों को, मुंबई का लोग मौत हुई? हाँ, वो बहुत दुर्दय हुई, आज ज्यादा 44 मराठी लोग हमारे मारे गए, 44 मराठी लोग मारे गए। और सर, उन्हें बचाने जो एनर्जी कमांडोज आए थे उनमें कितने मराठी थे? सर, मैं बताता हूँ आपको, उससे 2 बिहारी थे, 1 UP का आदमी था, 1 हिमाचल का आदमी था, 1 केरल का आदमी था, यानी पूरे देश के लोग मराठियों को बचा रहे थे। मेरा आपसे प्रॉब्लम है क्या? एक हाथ में दिल में प्रॉब्लम कौन बताएगा? इस दिल का सब तक बुद्धिजीवी आदमी यानी कि डॉक्टर स्कॉटलैंड फूड है, इन्हें चाय पिलाओ, सॉरी इन्हें आइसक्रीम पिलाओ। सर, और ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आपके हिसाब से ग्लोबली स्पीकिंग ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ओवर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन, और इसका सोल्यूशन क्या है? सर, पार्डन मी इफ आई एम रॉन्ग, बट ओवर पॉपुलेशन कोई 4-5 साल का आफ्टर इफेक्ट तो है नहीं। हम सबको सालों पहले पता था पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, टेररिज्म, यू नेम द प्रॉब्लम। क्या है जरूरी है कि हर बार जब प्रॉब्लम हमारे माथे पर चल जाएगी तो हम पहले एडजस्ट करेंगे, फिर कॉम्प्रोमाइज करेंगे और उसके बाद से निकल लेंगे। क्या हो, चाय खत्म हो गई?
करना चाहिए, डांस कर लो। वैसे भी आजकल की जनता को डेवलपमेंट कहाँ, इन सालों को तो एंटरटेनमेंट। बॉम्बे द्वारका नाथ बस ये स्टूडेंट हमें दामले प्रवीण गणेश आनंद प्रसर बालाजी श्रीदास प्रेम राइटर एंड डायरेक्टर सुदेश जय देसाई।